टाइम पे मतलब प्लेसमेंट के बाद सभी खुश हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ मतलब हाथ पैर मैंने मारा मारा नहीं, और पार्शियल रन भी करा तो उसमें भी नाम आ गया था उनका। तो ऐसा थोड़ा लगता था यार कि मतलब पूरे पूरे क्वेश्चन करने के दुख बाद भी लगता हाँ नहीं होता है, तो वो हॉस्टल में थोड़ा माहौल वैसा हो ही जाता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट राउंड, सो फर्स्ट यू विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट राउंड, व्हाट आर द डिफरेंट क्वेश्चंस एंड व्हाट आर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट राउंड। सो फर्स्ट राउंड में नियरली मतलब पूरा कॉलेज ही अपीयर हुआ था, एंड उसमें अराउंड 60 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। सो फर्स्ट राउंड के क्वेश्चन ऐसे आए थे, कुछ मतलब एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे एंड 3 कोडिंग क्वेश्चन आए थे। तीन कोडिंग ठीक है, क्वेश्चन हाँ है, ठीक जी। है। सो अभी तुम बताओ कि कोडिंग क्वेश्चन किस किस टॉपिक से थे और उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे या फिर न्यू क्वेश्चन थे कि मतलब खुद वहाँ पे लॉजिक सोचना पड़ेगा या फिर इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड थे, क्या थे वो सब बता दो। जो कोडिंग क्वेश्चन थे उसमें 3 क्वेश्चन थे, एंड 3 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन ट्री का था जो कि मीडियम लेवल लीड कोड का क्वेश्चन था, एंड 2 क्वेश्चन जो थे वो इजी लेवल के थे, बहुत मतलब जैसे बिगिनर लेवल कह सकते हो, तो वो थे 2 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे। तो यही थे 3 क्वेश्चन, एंड एप्टीट्यूड के अराउंड 30 क्वेश्चन थे। और डिफिकल्टी लेवल क्या था एप्टीट्यूड का? एप्टीट्यूड का वही मीडियम एंड इजी मिक्स। ठीक है। सो फर्स्ट राउंड क्लियर करने के लिए कितने क्वेश्चंस तुमने किए थे और तुम्हारा मतलब स्कोर क्या था तुम्हारे अकॉर्डिंग, क्योंकि तुमने भी एनालाइज किया होगा उसके बाद, तो कितने क्वेश्चन वगैरह तुम्हारे ठीक थे? सो बेसिकली मैंने मतलब एप्टीट्यूड से स्टार्ट करा था, तो एप्टीट्यूड में मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम खा गया था, और कोडिंग क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जो सिंपल वाले थे वो तो पूरे कंप्लीट रन कर दिए थे, एंड जो ट्री वाला क्वेश्चन था उसके लिए टाइम नहीं बचा था, अप्रोक्स 10 मिनट्स बचे थे मेरे पास। कैमरे हाँ, तो मैंने मतलब पार्शियल रन करा था उसको, और मतलब कंप्लीट रन नहीं कर पाया था मैं उसको, तो ऐसे ही हुए थे मेरे। ओके। तो उसके बाद सेकंड राउंड हुआ होगा, तो सेकंड राउंड तुम्हारा टीआर था, TR1, तो उसके बारे में पूरा बता दो कि फेस टू फेस इंटरव्यू राउंड था, तो उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दो। तो सेकंड राउंड जो था हमारा, वो सेकंड राउंड में उसने मतलब 2 क्वेश्चन करे थे मुझसे, 3 क्वेश्चन करे थे सॉरी। तो पहला क्वेश्चन था रिकर्सन का, एक सिंपल क्वेश्चन था, तो उसमें मुझे उसने मतलब थोड़ा आउटपुट ट्वीक करके लाने को बोला था, बट मैंने सिंपल मतलब आउटपुट उसमें मैं लेके आ गया, तो उसने बोला कि लाइक ये नहीं चलेगा, आई कैन बेट। तो फिर मैंने बोला हाँ, मतलब जो आउटपुट आपको चाहिए वो थोड़ा ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, वो रिवर्स ऑर्डर में आएगा ये। तो वो फिर वो मान गया, बोला हाँ सही बोल रहा। एंड एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन SQL के करे थे उसने, लाइक वाइल्ड कार्ड और हैविंग क्लॉज, इन सब पे बेस्ड था वो, तो सिंपल ही था वो भी। ओके फाइन। सो इसका ड्यूरेशन कितना था, कितना लंबा ये राउंड चला था वो सब बताओ उसको। तो ये फर्स्ट राउंड था, और ये फेस टू फेस इंटरव्यू राउंड था। इस ये अराउंड 25 मिनट्स चला होगा, अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 मिनट्स। 20-25 मिनट्स। सो एक कोडिंग क्वेश्चन था और थोड़ा SQL पूछा था और हाँ बाकी कुछ था क्या? नहीं, बस एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा था उसने, एंड SQL में तो कुछ भी नहीं, SQL में मतलब सिंपल ही था। SQL तो आप बोल सकते हो कि हाँ बेसिक लेवल ही पूछते हैं, एडवांस तो पूछते भी नहीं है। लाइक अभी जैसे एडवांस में जैसे विंडो फंक्शन वगैरह ये सब तो कुछ पूछते भी नहीं, वो सिंपल ही बेसिक पढ़ लो तो काफ़ी हो जाता है, वही पूछेंगे। ठीक है। तो इसके बाद फर्दर कितने स्टूडेंट्स को उन्होंने फर्दर राउंड के लिए मतलब निकाला और कितने बच्चे मतलब फर्दर राउंड के लिए गए थे? फर्स्ट राउंड में अप्रोक्स 20 बच्चे सेलेक्ट करे थे उन्होंने, एंड सेकेंड राउंड के लिए फिर जैसे पैनल सबने मतलब हर एक बच्चे 3-4 बच्चों पे एक पैनल डिसाइड कर रखा था, तो उन हर एक पैनल में से शायद एक बच्चा या 2 बच्चा कभी सेलेक्ट हो रहा था, तो अप्रोक्सीमेटली हाँ, फिर सेवन तो टू स्टूडेंट। हाँ 7 to 8, 7 to 10 के अप्रोक्स सेलेक्ट हुए थे, ऐसे ही थे। हाँ सो इसके बाद तुम्हारा हुआ TR2, हाँ तो TR2 के बारे में थोड़ा बता दो कि उसमें कितने क्वेश्चंस थे, डिफ़िकल्टी लेवल उसका क्या था और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस थे, क्योंकि कोडिंग क्वेश्चंस कंपनी टू कंपनी वाइज डिफ़र करते हैं कि किसी की किसी मतलब डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट प्रिफरेंस रहती हैं कि कहाँ से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो थोड़ा बताओ, उससे थोड़ा हेल्प मिलेगा। जैसे TR1 में तुमने बताया रिकर्शन और उससे था, तो ये बताओ। सो सेकेंड राउंड में वो भी TR राउंड ही था, एंड वो भी फेस टू फेस इंटरव्यू ही था, तो उसमें मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, और वो मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन था,
स्ट्रिंग्स ऑफ स्ट्रिंग्स का, उसमें पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग पूछ रखी थी, लाइक उसमें मतलब लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग थी और उसमें पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग मुझे निकालनी थी, तो मैंने वो क्वेश्चन कर रखा था कुछ दिन पहले ही, तो वो मैंने मतलब तुरंत ही कर दिया था 10 मिनट में, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा याद ही था, 3-4 दिन पहले ही कर रखा था वो। एंड उसने उसके बाद मुझसे SQL क्वेरीज उसमें भी लिखवाई, और उसके बाद फिर मुझसे एक मतलब डेटाबेस डिज़ाइन करने को बोला, उसमें सिंपली मतलब उसने बोला कि लाइक यूज़ मतलब क्या क्या यूज़ केसेस लोगे, क्या क्या यूज़र स्टोरी होने वाली है, और वो खुद से मतलब मुझे डिज़ाइन करना था, लाइक उसने बोला एक शॉपिंग ऐप टाइप का कुछ ऐसा बनाना है तुम्हें, तो तुम्हारी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी एंड क्या क्या यूज़ केसेस होंगे, क्या क्या कॉर्नर केस तुम चूज़ करोगे, तो लाइक मैंने मतलब करा, उसमें थोड़ा टाइम लिया था मैंने, वो भी हेल्प कर रहे थे आगे से, क्योंकि उन्होंने मतलब मैं जहाँ जहाँ लैग हो रहा था थोड़ा, मतलब मैं मिस कर रहा था कुछ कुछ चीज़ें, तो वो मतलब मुझे आगे से भी सपोर्ट कर रहे थे, बता रहे थे, हाँ वो मुझे बता रहे थे कि लाइक ये हो सकता है क्या, ये देखो एक बार, तो मैंने ऐसा ऐसा करा, तो उन्होंने मतलब काफ़ी हेल्प भी करी थी उसमें, तो ये सेकेंड राउंड था टोटली। फाइन, सो इसके बाद भी कोई फर्दर राउंड्स हुए थे या फिर ये सिर्फ आखिरी राउंड था? हाँ मतलब ये लास्ट राउंड था, और ये इसके बाद मतलब उन्होंने वही HR के भी क्वेश्चन उसी में कर दिए थे, लाइक होता तो वैसे 3 राउंड था बट मेरा HR भी उसी में कर दिया था उन्होंने, उन्होंने मतलब मुझसे HR वाले ही क्वेश्चन पूछ लिए, लाइक अगर मतलब वही जो यूजुअल क्वेश्चन होते हैं तो। हाँ ओके ग्रेट, तो उसके बाद तुम्हारा सीधा फाइनल ऑफर लेटर आया? हाँ, फिर मतलब मुझे ऐसा पता नहीं था, मतलब ऐसी कुछ वो नहीं थी कि आएगा कि नहीं आएगा, बट 2 घंटे बाद फिर मतलब रिजल्ट आया, तो फाइनल रिजल्ट में वही 4 बच्चे सेलेक्ट करे थे टोटल उन्होंने। ग्रेट भाई ग्रेट, तो उससे पहले मतलब तुम कितनी कंपनी में रिजेक्ट हो चुके थे और अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है क्योंकि काफी लेट तुम्हारा प्लेसमेंट हुआ। हाँ। काफी डिप्रेस भी तुम थे। हाँ। और पागल पागल हो गए थे कि भाई प्लेसमेंट नहीं हो रहा, गजब बेइज्जती है। तो उसके बाद की फीलिंग जो थी उसके बारे में बताओ थोड़ा, कैसा लगा था, या फिर अच्छा लगा था या बुरा लगा था कि यार कम में लग गया, थोड़ा और ज़्यादा लगना था? हाँ तो लाइक होता क्या था, मतलब कोडिंग में ऐसा होता था क्वेश्चन तो हम करते ही थे बट वो इंटरव्यू राउंड तक मैं मतलब आता ही नहीं था, और क्वेश्चन कई बार ऐसे भी हुए थे लाइक मतलब मैं कंपनी का नाम क्या लूँ बट उसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन भी कर चुके थे हम लोग मतलब 3 कोडिंग क्वेश्चन कर दिया था हमने, और फिर भी उसमें नाम नहीं आया, बच्चों ने कही कि मैं मतलब एक और पार्शियल रन भी करा तो उसमें भी नाम आ गया था उनका, तो ऐसा भी मतलब था, तो उसके लिए थोड़ा लगता था यार कि मतलब पूरे पूरे क्वेश्चन करने के बाद भी हाँ नहीं होता है, तो वो हॉस्टल में थोड़ा माहौल वैसा हो ही जाता है। एंड मैं इससे पहले कॉग्निजेंट का मैंने दे रखा था तो उसमें भी हो चुका था मेरा, और उसके बाद एक एपिसिनो करके कंपनी आई थी उसमें भी हो गया था, बट उसमें बॉन्ड वगैरह था तो इसीलिए मैंने उसको मना कर दिया था, मना नहीं करा था बट मैं मतलब अपनी साइड से डीले कर रहा था, मैं बोल रहा था मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, मतलब मैं बहानेबाजी कर रहा था थोड़े से, मैं बैठना नहीं चाहता था। और एक कंपनी थी रेबल फूड, उसमें मैं मतलब मेरा लास्ट राउंड मैंने मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ मतलब किया उस, खैर उसमें एक भी बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, और लास्ट यही MAQ वाली कंपनी थी, तो फिर इसमें हो गया, उसके बाद किसी में बैठे ही नहीं हूँ, यही था। सो इसके बाद तुमने कहीं ऑफ कैंपस ट्राई किया या फिर तुम सेटिस्फाई थे कि भाई अच्छी कंपनी है ये सब, क्या मतलब तुमने इसका भी क्या प्लान था तुम्हारे फ्यूचर के लिए, और कंपनी में तुम किस किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, क्योंकि यू आर करंटली वर्किंग एज ए इंटर्न इन द सेम कंपनी, सो उसके बारे में थोड़ा बताओ कि अगर कोई बच्चा मतलब जूनियर वगैरह जाना चाह रहा है और सेम कंपनी में, सो उसको पहले से क्या करना चाहिए कि उसको इंटर्न में थोड़ा हेल्प हो सके, और किस किस टेक्नोलॉजीज पे तुम अभी काम कर रहे हो, ऑल अबाउट दैट। सो पहली बात तो ये कि लाइक मैं उस टाइम पे मतलब प्लेसमेंट के बाद सभी खुश हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ मतलब हाथ पर मैंने मारा नहीं कहीं पे कि लाइक इधर भी और कहीं प्लेसमेंट ले लूँ ऐसा कुछ, मतलब मस्त थे, खुश थे उसी में। सो अभी मतलब मेरी इंटर्नशिप जनवरी से स्टार्ट हुई है, और मतलब वर्क कल्चर तो लाइक मतलब 1 हफ्ते का बूट कैंप होता है एंड उसके बाद वो डायरेक्ट तुम्हें उठा के प्रोजेक्ट में डाल देते हैं, नो मैटर आपको कुछ आता है या नहीं आता है, वो आपको करना ही पड़ता है। तो अभी मेरा मतलब जैसे मैंने जावा पे करा था, मेरी मतलब
कोडिंग मैंने जावा वगैरह पे करी है। हाँ, मेन लैंग्वेज मेरी जावा है। तो बट अभी वहाँ पे उन्होंने पाइथन में दे रखा है मुझे, पाइस्पार्क से, मतलब मेरा काम डेटा ब्रिक्स पे है और बेसिकली सारा डेवऑप्स और मतलब क्लाउड पे पूरा काम करवाते हैं हम लोग को। और तो अगर मतलब मैं यही कहूँगा कि अगर मतलब किसी को आना है इधर पाइथन पे, अगर आप करके आते हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए वो, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे मतलब 90% पाइथन ही यूज़ होता है, आपको जावा वगैरह ये ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि सारा काम यहाँ पे बिग डेटा पे होता है, तो बिग डेटा पे मतलब पाइथन ही यूज़फुल है। तो इसके लिए पाइथन अच्छा है, पाइथन में अगर आपका मेन कोडिंग लैंग्वेज पाइथन रहा तो आपको दिक्कत नहीं होगी उतनी। सो भाई ये था इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड ऑल द इनसाइट रिलेटेड टू मैक MAQ इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सो शुभम ने ऐसा जैसा कि सब कुछ डिटेल में बता ही दिया है, और शुभम के बारे में पहले कुछ बता देते हैं। तो भाई अपने साथ है फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट सेमेस्टर से, आने से भी पहले से आए भी साथ ही थे, और अभी लास्ट ईयर तो लास्ट ही डे है आज, आज जाने वाला है भाई, तो स्टार्टिंग से एंड तक साथ में ही हैं। और फाइनल कुछ बताना चाहोगे BIT मैसरा के बारे में कि कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जो साइड में बंदा बैठा हुआ है तो उसका 2 साल का कोर्स था, क्योंकि अभी अभी 2 साल का कोर्स हो चुका है, पहले 3 साल का था 2K19 में जब हमने एडमिशन लिया था, उसके बाद 2K20 से 2 साल का डिग्री हो गया, तो उसका कोरोना में स्टार्ट हुआ और कोरोना में ख़त्म हो गया। लेकिन भाई ने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है यहाँ पर, अच्छा अच्छा हमारे साथ में काफ़ी मज़े लिए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहोगे कि कैसा तुम्हारा रहा? यार कॉलेज तो नो डाउट मतलब बहुत ही अच्छा है, और मतलब यहाँ पे जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो फेस्ट वगैरह होते हैं, वो तो मतलब एक लेवल ही उनका अलग है, तो उसमें तो भाई बहुत मज़ा आता है। हम ज़्यादा टाइम मतलब बिता नहीं पाए कॉलेज में, कॉलेज में तो हम लाइक एक सेमेस्टर ही थे, एक सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के मिड में ही हमें जाना पड़ा था, जाना क्या पड़ा था, भगा दिया गया उसके बाद। तू नहीं आया लेकिन मैं आ गया था वापस। हाँ तो उसके बाद फिर तू भी तो कब लास्ट में ही आया था। हाँ लेकिन मैं रह गया थोड़ा सा ज़्यादा। तो यही था मतलब कॉलेज तो अच्छा है। तो ठीक है भाई, सब कुछ शेयर कर ही दिया है, कॉलेज लाइफ, इंटरव्यू एक्सपीरियंस, सभी चीज़ें। सो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर भाई, और जल्दी से जल्दी काफ़ी बड़ी कंपनी में पहुँचो। ठीक है ना? तो ठीक है, लास्ट में बोल दो बाय बाय, कुछ बोलना चाह रहे हो? बाय गाइस, थैंक यू। सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब एंड लाइक ठोक दो। और हाँ यार, वीडियो देखते हो लाइक नहीं ठोकते हो तुम लोग, तो लाइक वाइक भी ठोक दिया करो, 1,000-1,500 लोग देख के जाते हैं और 50-60 लाइक बोलते हैं, ये क्या है भाई? हाँ भाई ये दिक्कत है, लगते हैं उसमें, ठोक दो एक बार, भाई को भी सपोर्ट करो थोड़ा यार। ठीक है तो भाई, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।